तो दोस्तों आज है मेरे पास HTC इंस्ट्रूमेंट का साउंड लेवल मीटर, जिसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा आपको कि साउंड लेवल मीटर कैसा दिखता है, साउंड लेवल मीटर में क्या क्या फंक्शन होते हैं और साउंड लेवल मीटर से हम कैसे साउंड मेजर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। तो भाई चलिए अब बैग को ओपन करते हैं। तो मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले इसमें एक CD है सॉफ्टवेयर, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। साथ में यूज़र मैनुअल है, एक चार्जर है, एक डेटा केबल है और ये है हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट साउंड लेवल मीटर। और इससे ही साउंड मेज़र किया जाता है और जो भी रीडिंग होता है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में डेसिबल यूनिट में दिखाता है। तो मैं पहले इसका थोड़ा पार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे ऊपर जो है उसको बोलते हैं विंड स्क्रीन, जो कि केवल साउंड वेव्स को ही आने देता है, विंड को रोक लेता है। इसके अंदर होता है माइक्रोफोन जो साउंड सेंस करता है और फिर ये मशीन के अंदर भेजता है और मशीन में साउंड मेज़र होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली आपको डिस्प्ले होता है। तो ये इसमें मेनली माइक्रोफोन और ये एनालाइज़र, ये दो पार्ट होते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के बटन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको पावर बटन मिलेगा, जहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट को ऑन और ऑफ कर सकते हो। उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक लेवल बटन है, लेवल बटन से आप डेसिबल रेंज सेट कर सकते हो, जैसे 30 टू 130, 20 टू 80, 50 टू 80, मतलब इसमें चार अलग अलग रेंज दी हुई है, उसमें से कोई भी रेंज आप लेवल से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके जस्ट ऊपर है ये F&S, मतलब ये आपका रिस्पॉन्स के लिए बटन है, फास्ट रिस्पॉन्स एंड स्लो रिस्पॉन्स। जब हम ह्यूमन एक्सपोजर के लिए साउंड मेजर करते हैं तो हम स्लो रिस्पॉन्स पर साउंड मेजरमेंट करते हैं और यही एडवाइजेबल है। स्लो रिस्पॉन्स पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट हर एक सेकंड में एक रीडिंग नोट करेगा, जबकि फास्ट रिस्पॉन्स में एक सेकंड में कुछ ज़्यादा रीडिंग ये नोट करता है। तो एडवाइजेबल यही है कि जब आप ह्यूमन एक्सपोजर के लिए साउंड मेज़र कर रहे हो तो आपको स्लो रिस्पॉन्स पर रखना है। उसके फिर नीचे यहाँ पर होल्ड का बटन है। होल्ड का बटन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कभी भी कुछ भी कोई भी रीडिंग होल्ड करके रखना हो तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे उसी सेकंड वो स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, मतलब उसमें जो रीडिंग होंगे वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। वापस उसको आपको अनहोल्ड करने के लिए फिर से होल्ड का की प्रेस करना होगा। यहाँ पर है ये मिनिमम एंड मैक्सिमम स्विच। इसका क्या फंक्शन है कि जब भी आप साउंड मेजर करते हो, और साउंड कंटिन्यूअस नहीं है, वेरिएबल साउंड है, मतलब हर एक टाइम पर साउंड की इंटेंसिटी अलग अलग है, तो जब भी आप ये मशीन चालू करोगे और ये स्विच पहली बार प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी तक जितना साउंड मॉनिटर हुआ है उसमें से मैक्सिमम डेसिबल कितना आया है, और वापस उसको प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी तक जितना साउंड हुआ है उसमें मिनिमम डेसिबल क्या मेज़र हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको और तीन स्विचेस मिल जाती है। सबसे पहली है बैक लाइट की, इसको प्रेस करते ही अंदर स्क्रीन में बैक लाइट होती है, तो ये कम रोशनी वाली जगह पर आपको थोड़ा इजी हो जाता है रीडिंग देखना। उसके ठीक बाजू में और बीच में टॉप सेंटर में जो स्विच है वो है डेसिबल ए डेसिबल सी, मतलब जब भी साउंड लेवल मेज़र करते हैं तो या तो ए वेटिंग फिल्टर यूज़ होता है या तो सी वेटेड फिल्टर यूज़ होता है। तो जब भी हम ह्यूमन एक्सपोजर के लिए साउंड मेज़र करते हैं तो उस केस में हमको DBA प्रेस करके मतलब DBA सिलेक्ट करके साउंड मीटर लेवल यूज़ करना है। और यहाँ पर आपको एक सेटिंग की मिलेगी जिसे आप टाइम डेट डिस्प्ले काफ़ी सारी चीज़ सेट कर सकते हो, और ये सेटिंग कैसे करना है ये सारा यूज़र मैनुअल में आपको मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट के लेफ्ट में आपको यहाँ से आप एक डस्ट प्रूफ कवर ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो इसमें एक चार्जर का पोर्ट है, एक USB आउटपुट है, एक 3.5mm ऑडियो जैक है और नीचे एक छोटा सा स्क्रू है जिसे आप इंस्ट्रूमेंट को सेल्फ कैलिब्रेट कर सकते हो। और ये कैलिब्रेशन कैसे करना है ये पूरा मेथड आपको यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा। एक बार आपने साउंड लेवल मीटर से साउंड मेजरमेंट तो कर दिया, लेकिन आपको डेटा देखना है, आपको एनालिसिस करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो भाई इसके साथ एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर आता है
और सॉफ्टवेयर की सीडी इसमें साथ में आती है। ये इजीली आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो कंप्यूटर में और इस इंस्ट्रूमेंट को डेटा केबल के जरिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और सारा डेटा आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। तो पूरा डेटा आप देख सकते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस भी कर सकते हो। इस इंस्ट्रूमेंट में इनबिल्ट मेमोरीज आती है तो पूरा साउंड डेटा उसी मेमोरी में स्टोर होता है और जब मेमोरी फुल होने आती है तो पहले से ही आपको स्क्रीन पर फुल का नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप अपना पूरा डेटा बैकअप ले सकते हो। तो चलिए भाई अभी इसको ऑन कर लेते हैं। ये हमारा मशीन ऑन हो गया है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पर सबसे नीचे जैसे मैंने लेवल का बोला था, ऊपर आपको 30-130 रेंज दिखाई दे रहा होगा। ये अभी 50 से 100 के बीच की मेज़र करेगा, मतलब 50 से बिलो मेज़र नहीं करेगा, 100 से अप मेज़र नहीं करेगा। ये 80-130 हो गई, मतलब ये जब हाई लेवल साउंड को मेज़र करना होता है तब हम ये लिमिट रखते हैं। और ये नॉर्मल रेंज में हमने लिमिट रखा है 30-130, ठीक है। तो अभी साउंड लेवल मीटर 30 से बिलो वाला नहीं मेज़र करेगा और 130 से अप वाला मेज़र नहीं करेगा, तो इतनी रेंज में अभी हमने ये सेट किया हुआ है। अभी यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा फास्ट, ठीक है, और ये स्लो। देखो ये टगल हो रहा है फास्ट और स्लो के बीच में, ठीक है, दिख रहा है आपको सबसे ऊपर स्लो फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये स्लो रिस्पॉन्स पर रखना है। यहाँ पर आप फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखाई देगा DBA DBC, देख रहे हो आप, ये DBC और DBA दोनों में चेंज हो रहा है। हम ह्यूमन के लिए जब ह्यूमन एक्सपोजर के लिए जब करते हैं तब हमको रखना है डेसिबल F, ठीक है, DBA फिल्टर। यहाँ पे आपको बैकलाइट दिखाई देगी शायद, ये बैकलाइट ऑन हो गई, ये बैकलाइट ऑफ, ये बैकलाइट ऑन, ये बैकलाइट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर तो सेटिंग्स है, उसमें मैं अभी आपको डिटेल में नहीं अंदर जाता हूँ। यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर मिनिमम, ठीक है। तो एट द एंड आपको ये दिखाई देगा कि कितना मिनिमम है कितना मैक्सिमम साउंड कैप्चर हुआ है, ठीक है। अभी कहीं पर भी आप होल्ड कर दोगे तो ये इसको मतलब 3 सेकंड कर यहाँ पर आपको इसे 3 सेकंड प्रेस करके रखोगे तो ये मिनिमम मैक्सिमम मोड से निकल जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी टाइम पर आप होल्ड करके रख दोगे तो स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, आपको दिखाई देगा कि भाई अभी ये लास्ट जो मेज़र हुआ रीडिंग वो 63 डेसिबल था। वापस उसको करो, एक बार और प्रेस करोगे तो अनहोल्ड हो जाएगा। देखो अभी मैं एक बड़ा आवाज़ करता हूँ हेलो, और ये मैंने होल्ड कर दिया तो ये जो साउंड थी वो 78 डेसिबल जितनी थी। और यहाँ पर नीचे आपको होल्ड भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी मैं वापस उसको अनहोल्ड कर देता हूँ तो वापस मुझे एक बार ये प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से साउंड लेवल मीटर काम करता है। देखो जैसे मैं चुटकी बजा रहा हूँ इसका रीडिंग बढ़ रहा है, देखो क्लैपिंग से भी मतलब चेंज हो रहा है आवाज़, है ना। और जैसा मैंने बोला था कि इसको लेफ्ट साइड में ये डस्ट प्रूफ कवर आप ओपन करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको इसका 9 वोल्ट डीसी चार्जिंग का पॉइंट है, ये यहाँ से यूएसबी कनेक्टिविटी के लिए ये पोर्ट है जिसका वायर भी साथ में आता है, ये 3.5 mm ऑडियो जैक आउटपुट का फ़ोन है। और यहाँ पर ये आपको अगर थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो एक छोटा सा स्क्रू दिखाई दे रहा है जो कि कैलिब्रेशन के लिए होता है। अगर यहाँ पर तो जहाँ पर भी आपको साउंड मेज़र करना हो आप सिंपली साउंड सोर्स के पास ये डेसिबल मीटर रख दो या फिर साउंड लेवल मीटर और आपको रीडिंग सीधा डेसिबल में ही दिखाई देगा। तो मैंने आपको साउंड लेवल मीटर बता दिया, ये कैसे फंक्शन करता है ये भी बता दिया, लेकिन एक चीज़ रह गई कि ह्यूमन जो रेंज है, ह्यूमन रेंज जो है वो 20-120 डेसिबल जितनी है। मोस्टली एक यंग एंड हेल्दी पर्सन 20-120 डेसिबल के बीच सुन सकता है, लेकिन सेफ एक्सपोजर लिमिट क्या है, कितना साउंड हमारे लिए सही है,
तो भाई 85 डेसिबल तक का साउंड आप 8 घंटे तक लगातार सुन सकते हो विदाउट हैविंग एनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। लेकिन इसमें दो चीज़ें मायने रखती है, एक तो साउंड लेवल और दूसरा एक्सपोजर टाइम। जैसे जैसे साउंड लेवल बढ़ता है वैसे वैसे एक्सपोजर टाइम कम हो जाता है। जैसे 85 डेसिबल के लिए साउंड एक्सपोजर टाइम 8 घंटा है, तो अगर 85 डेसिबल का 88 डेसिबल साउंड हो जाता है तो आपका एक्सपोजर टाइम आधा हो जाता है, मतलब कि 4 आवर ही हो जाता है। तो जैसे जैसे 3 डेसिबल साउंड इंक्रीज होता है आपका एक्सपोजर टाइम उतना ही कम हो जाता है। तो अगर ऐसे 115 डेसिबल पर आप सुन रहे हो तो उसके लिए सेफ एक्सपोजर टाइम 30 सेकंड से भी कम है। तो चलिए अब हमारे पास जब साउंड लेवल मीटर है तो ये चेक करते हैं कि हमारे होम अप्लायंसेस में से कितना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।